के प्रधान अश्विनी बब्बर जी और कलाव तिल्लो के प्रधान जतिंदर मित्रा जी भी हमारे साथ हैं और चेयरमैन साहब भी आ रहे हैं। तो पवन जी और सारी टीम सोनका संघ की का बहुत बहुत शुक्रिया जो सभी यहाँ पे आए। तो मुद्दा ये है आजकल के गोल्ड के प्राइस जो है बहुत ज्यादा ऊपर हो रहे हैं, जैसे 8,000 के अप्रोक्सीमेटली आजकल रेट चल रहा है। तो कुछ दुकानदारों ने रेट जो है वो 7,000-6,990 करके डाला, जब हमें गवर्नमेंट 8,000 देगी तो उसमें कुछ झोल है। हम कस्टमरों को थोड़ा जागरूक करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि कस्टमर जागरूक हो। 40% 50% डिस्काउंट जो लोग दे रहे हैं डायमंड्स पे, वो क्या त्यौहार के बाद उनसे 40% 50% ज़्यादा लेते हैं क्या? वो 10,000 की चीज़ पे 1,00,000 रुपया एमआरपी लगा के आप लोगों को देते हैं। तो कस्टमर को इन चीज़ के बारे में पूरे ध्यान से देखना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर हमारे लिए हमारी जान है। क्योंकि जब तक वो हमारे पास आएंगे, हमारा परिवार, सोनकर संघ का परिवार, ज्वेलर एसोसिएशन का परिवार, सब परिवार उसी से चलते हैं। तो हम कभी भी नहीं चाहते कि कस्टमर के साथ धोखा हो। इसके लिए हम जागरूक कैंप लगाएंगे छन्नी में, छन्नी गांधीनगर तालाब तिल्लो रामबन रजौरी पूंछ हर एक जगह पे हम टाइम डिसाइड करके आपको बता देंगे। तो जागरूकता कैंप लगाएंगे जिसमें हमारी टेस्टिंग मशीन गोल्ड आप कैसे बाइंग करेंगे और कैसे सेल करेंगे, ये सारा प्रोसीजर आपको बताया जाएगा। जैसे कि हमारी कोई ज्वेलरी बनती है तो उसका 3-4% वेस्ट जो है सिर्फ पॉलिश और रबिंग में हो जाता है। जैसे आप देखते हो हमारी दुकान के बाद सफाई कर्मचारी हमारा जो गंदा है उसको भी उठाकर साफ करते हैं, क्योंकि उसमें हमारा वेस्ट ही जाता है, इसीलिए करते हैं। तो 6-7% हमारा खर्चा आता है। जब कोई लोग नो लेबर नो पॉलिश पे आपको ऑफर कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है उसमें जोर है। ये आलू प्याज तो है नहीं सोना जो 3 दिन बाद गाड़ी खराब हो जाएगी तो लेने वाला कोई हमें मिलेगा नहीं। एवरी डे इन्हांसमेंट होने वाला प्रोडक्ट है। गोल्ड इज अ वेरी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, सबको पता है। तो इसमें अगर आपको कोई सस्ता दे रहा है, गवर्नमेंट से सस्ता कैसे दे सकता है? जब गवर्नमेंट हमें 8,000 देगी तो हम आपको 7,000 कैसे देंगे? तो ये झोल है। इन चीजों से बचने के लिए सभी कस्टमरों से मेरी अपील है, जब भी वो कुछ बाइंग करते हैं तो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि कुछ 2-4 लोग जो है लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, जिससे कि हमारा पूरा समाज खराब होगा और पूरे समाज की बदनामी होगी। इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अभी आप अपने सवाल पूछिए।